टेस्ट ऑन सीमेंट। तो क्या क्या टेस्ट होता है? पहला टेस्ट होता है फिल टेस्ट, दूसरा होता है लेबोरेटरी टेस्ट। अब फील्ड टेस्ट क्या है ये मैं आपको बता, तो फील्ड टेस्ट क्या है? फील्ड टेस्ट में है कि ओपन द बैग एंड टेक अ गुड लुक ऑन अ सीमेंट, देयर वुड बी नो लम्स। ठीक है, क्या करना, पहले बैग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसमें एक बार अच्छे से देखना है सीमेंट को, और उसको देखना है कि उसमें कोई भी लम्स नहीं हो। ठीक है, उसके बाद है द कलर शुड बी यूनिफॉर्म एंड ग्रीन इज ग्रे। अब उसका जो कलर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और ग्रीन इज ग्रे में उसका कलर होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है अब इसका, ट्रस्ट योर हैंड इनटू द सीमेंट बैग। अब सीमेंट बैग में अपना हाथ ट्रस्ट करना है। अब क्या करना, ट्रस्ट योर हैंड इनटू द सीमेंट बैग, बैग में अपना हाथ डालना है और उसमें क्या देखना है, इट मस्ट गिव अ कूल फीलिंग। अगर देगा तो ठीक है इसका प्रॉपर्टी। उसके बाद टेक अ पिंच ऑफ सीमेंट एंड फील बिटवीन द फिंगर, इट शुड बी स्मूथ। अब उसका पिंच ऑफ सीमेंट लेना है, उसको बिटवीन द फिंगर फील करना है, अगर वो इट शुड बी स्मूथ होना चाहिए। टेक अ हैंडफुल सीमेंट, एक हैंडफुल सीमेंट लेना है, उसको वाटर बकेट में फेंकना है और वो मस्ट बी फ्लोट, वो उसको फ्लोट करना चाहिए और कुछ देर के लिए डूबने से पहले। यह था हम लोगों का टेस्ट ऑन सीमेंट। टेस्ट ऑन सीमेंट में यह फील्ड टेस्ट था। अब आता है लेबोरेटरी टेस्ट। तो लेबोरेटरी टेस्ट में क्या क्या है, तो पहला हो गया फाइनेंस टेस्ट, दूसरा हो गया स्टैंडर्ड कॉन्सिस्टेंसी टेस्ट, तीसरा हो गया सेटिंग टाइम टेस्ट, चौथा हो गया कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट, पांचवा हो गया सॉलिडनेस टेस्ट, छठा हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो लेबोरेटरी टेस्ट में क्या क्या हो गया, फाइनेंस टेस्ट, स्टैंडर्ड कॉन्सिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट, सॉलिडनेस टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, ये सब मैं अलग वीडियो में आपको, एक लैब की वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब क्या है, स्टोरेज ऑफ सीमेंट। हम लोग उसको सीमेंट को कैसे स्टोर करेंगे, तो पहले है कि ऑलवेज स्टोर सीमेंट एट प्रॉपर प्लेस वेयर इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर कैन बी मिनिमम, इस और वेयर हाउस इज अ वेदर प्रूफ बिल्डिंग फॉर स्टोरेज ऑफ सीमेंट। तब हम लोग सीमेंट को ऐसी जगह पर स्टोर करेंगे जहाँ पर मॉइस्चर कॉन्टेंट जो है, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर जो है वो मिनिमम हो। ठीक है, और उसके लिए वेयर हाउस जो है सही जगह है, उसमें वो क्या है, तो वेदर प्रूफिंग जो है, वेदर प्रूफिंग बिल्डिंग है, किसके लिए है, तो स्टोरेज ऑफ सीमेंट के लिए। ठीक, अब रिक्वायरमेंट ऑफ वेयर हाउस में क्या है, वॉल शुड बी कंस्ट्रक्टेड ए वाटर प्रूफ मटेरियल, मतलब वॉल शुड बी, उसमें क्या हुआ, वॉल में हो गया जैसे ब्रिक
प्लास्टर, ठीक है, ये सब वाटरप्रूफ होना चाहिए। उसके बाद द रूफ शुड बी आरसीसी विद प्रॉपर ड्रेनेज, जो रूफ़ है वो शुड बी आरसीसी होना चाहिए और उसका प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। इट शुड हैव फ्यू विंडो ऑफ स्मॉल साइज, इसका फ्यू विंडो होना चाहिए स्मॉल साइज़ के। विंडो शुड बी कंस्ट्रक्टेड नियर सीलिंग, विंडो जो है वो सीलिंग के पास ही कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। और ग्राउंड जो है इसका हमेशा स्लोपिंग होना चाहिए। प्रिकॉशन टेकन इन द स्टोरिंग ऑफ सीमेंट क्या है? तो पहला पॉइंट है, डोंट स्टैक द सीमेंट बैग डायरेक्टली ऑन फ्लोर। सीमेंट बैग को डायरेक्टली फ्लोर पर नहीं रखा जा सकता है। देयर शुड बी प्लेस्ड ऑन ड्राई वुड अबव द फ्लोर बाई 150 mm, 150 mm टू 200 mm, ठीक है। तो हम लोग सीमेंट बैग को डायरेक्टली फ्लोर पर नहीं रख सकते हैं, इसको या इसको रखेंगे कहाँ पर? तो ड्राई वुड पर रखेंगे। और अबव द फ्लोर पर जो ड्राई वुड है वो अबव द फ्लोर रहेगा 150 से 200 mm। उसके बाद मेन गैप बिटवीन द बैग एंड एक्सटर्नल वॉल शुड बी 450 mm होना चाहिए, ठीक है। गैप बिटवीन द बैग और एक्सटर्नल वॉल में 450 mm दूरी पर रहना चाहिए। उसके बाद प्लेस द सीमेंट बैग इन स्टैक क्लोज टूगेदर सो टू मिनिमाइज द एयर सर्कुलेशन। अब सीमेंट बैग को इन स्टैक में सीमेंट बैग को क्लोज टूगेदर रखेंगे इसलिए मिनिमाइज कर जाए एयर सर्कुलेशन हो, ठीक है। उसके बाद स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट इन डिफरेंट स्टैक। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट जो है उसको डिफरेंट स्टैक में हम लोग रखेंगे, ठीक। फॉर स्टोरिंग द सीमेंट बैग फॉर लॉन्गर पीरियड कवर ईच स्टैक विथ वाटर प्रूफ से थिंग। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंट ये स्टोर फॉर जो स्टोरिंग स्टोर्स करते हैं सीमेंट बैग को लॉन्गर पीरियड के लिए, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग वाटर प्रूफ सेथिंग कर देंगे, मतलब त्रिपाल से, वाटर प्रूफ त्रिपाल से ढक देंगे उसको, ठीक है। हाइट ऑफ स्टैक नॉट मोर देन 8 bag। हाइट ऑफ स्टैक मतलब एक के ऊपर जो रखते हैं उसको स्टैक बोलते हैं, वो 8 bag से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ बैग स्टोर इन साइट शुड बी सच डैट इट कंज्यूम एट ऑन सेम डे। अब बैग इतना ही हम लोग साइट पर रखेंगे, मतलब स्टोर करेंगे कि ऐसा हो कि वो कंज्यूम हो जाए सेम डे में। आप वाटर क्या है, तो वाटर जो है इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग ऑफ सीमेंट, इन मिक्सिंग ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट एंड क्यूरिंग ऑफ हार्ड कॉन्क्रीट। वाटर क्या है, तो वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मेकिंग ऑफ सीमेंट में, इन मिक्सिंग ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट में और क्यूरिंग ऑफ हार्ड कॉन्क्रीट में, ठीक है। अब क्या है क्वालिटी ऑफ वाटर में, वाटर शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इंजीरियस अमाउंट ऑफ ऑयल साल्ट एसिड इन मिक्सिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट। वाटर जो है वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए ऑयल साल्ट एसिड किसमें, जब मिक्सिंग और क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट में, यह क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब एज पर आईएस कोड 456/2000 मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट, मिक्सिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कॉन्क्रीट विद सी वाटर इज नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साल्ट। अब सी वाटर को हम लोग नहीं रिकमेंडेड किया गया है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ साल्ट। अब आईएस कोड 456 जो है 2000 सी वाटर को रिकमेंड नहीं किया है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ साल्ट के कारण। यह क्वालिटी ऑफ वाटर हम लोग का। अब इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर ऑन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट में क्या है, तो पहला सस्पेंडर सॉलिड है,
दूसरा हो गया है इन ऑर्गेनिक साल्ट, तीसरा हो गया साल्ट इन सी वाटर, चौथा हो गया एसिड एंड अल्कली, पांचवा हो गया एल्गी, अब सस्पेंडर सॉलिड क्या है? तो सस्पेंडर सॉलिड है कि अगर हाई अमाउंट ऑफ सॉलिड रहेगा तो क्या करेगा, वाटर डिमांड जो है हाई हो जाएगा। अगर हाई अमाउंट ऑफ सॉलिड रहेगा तो वाटर डिमांड भी हाई हो जाएगा, और वाटर डिमांड जब हाई होगा तो उसके कारण क्या होगा, जब वाटर डिमांड हाई हुआ तो उसके कारण क्या होगा, हम लोग का इंक्रीज ऑफ श्रिंकेज हो जाएगा। ठीक है, अब श्रिंकेज जब बढ़ेगा तो उसके कारण हो जाएगा इफ्लोरेसेंस हो जाएगा। अब ठीक है, यही है सस्पेंडेड सॉलिड। उसके बाद है इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट में क्या है कि अगर प्रेजेंस ऑफ साल्ट रहेगा, तो साल्ट किसका रहेगा, तो मैग्नीज का रहेगा, या टीन का रहा, या जिंक का रहा, या कॉपर का। ठीक है, वाटर में प्रेजेंस ऑफ साल्ट और मैग्नीज टीन जिंक कॉपर इन वाटर, तो इसके कारण क्या होगा, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ इन कंक्रीट हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा स्ट्रेंथ का कंक्रीट में। ठीक है, तीसरा पॉइंट है साल्ट इन सी वाटर था। इसमें क्या होगा, साल्ट प्रेजेंट रहेगा सी वाटर में तो वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट को। ठीक है, साल्ट प्रेजेंट रहेगा सी वाटर में, ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का। ठीक है, और रिडक्शन ऑफ कंक्रीट जो होगा 10-20% होगा। ठीक, उसके बाद था चौथा पॉइंट हम लोग का एसिड एंड अल्कली। एसिड और अल्कली में क्या है, अगर वाटर जो कंटेंट है, वाटर कंटेनिंग एसिड या अल्कली, एसिड या अल्कली होगा ये जो है अनस्टेबल है, तो ये अनसुटेबल है फॉर कंक्रीट के लिए।
एसिड में वाटर अगर कॉन्टेंट नहीं एसिड और अल्कली, अगर वाटर में एसिड और अल्कली रहेगा तो अनसुटेबल है वो कंक्रीट के लिए। तो अब जो है वाटर क्या जो यूज होता है वो पीएच है, उसका वैल्यू जो है वो 6 से 8 होना चाहिए, तभी ये यूज़ होगा कंक्रीट में वाटर। ठीक है, अब पांचवा है पॉइंट था अलगे। अलगे में क्या होता है कि अलगी अगर वो प्रेजेंट रहा वाटर में या सरफेस ऑफ है एग्रीगेट में तो ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा बॉन्ड बिटवीन एग्रीगेट एंड सीमेंट डस्ट। ये हो गया 5 पॉइंट। लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, थैंक यू।